पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के विरोध में समस्तीपुर में आज बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले महिला उप समिति से जुड़े महिला स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। ये कैंडल मार्च कर्मचारी महासंघ के कार्यालय से शुरू हुआ और शहर के अलग अलग मार्ग से होते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में शामिल महिला स्वास्थ्य कर्मियों में इस दौरान काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था। कैंडल मार्च में शामिल महिलाओं का कहना था कि उन्हें महिला की आरक्षण नहीं चाहिए, कोई किसी भी तरह की सुविधा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। कोलकाता की महिला चिकित्सक मौमिता देवनाथ जी के लिए विनम्र श्रद्धांजलि के लिए यहाँ आए हुए हैं और साथ ही सरकार से आहत हैं, उनके एक्टिविटी से हम लोग आहत हैं। हमें नहीं चाहिए महिला आरक्षण, हमें नहीं चाहिए महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए कोई राशि, हमें नहीं चाहिए किसी भी ढंग की महिला के लिए कोई संघर्ष। महिला की आरक्षण हमें नहीं चाहिए, वो हम खुद हासिल कर लेंगे, लेकिन हमें चाहिए सुरक्षा। जो हम इसके पढ़ाई कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इतनी मेहनत से इतने शौक से पढ़ा लिखा के एक अच्छे मुकाम को पहुँचाते हैं और हम अपने कार्य क्षेत्र में ही सुरक्षित नहीं है, फिर क्या फ़ायदा हुआ इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी सुरक्षा और इतनी सब कुछ। इसलिए हमें सरकार से डायरेक्ट अपील करते हैं कि मौमिता देवनाथ के कातिलों को जितनी जल्दी हो सके सबको फांसी दीजिए, फांसी के अलावा और कुछ नहीं। हमारी तो यही इच्छा है कि इस तरह के जो भी कातिल आते हैं उनको चौराहे पे खड़ा होकर गोली से मारिए, ताकि कोई दूसरा इंसान इस तरह की करने से पहले उसकी आत्मा काट ले। और हम लोग यही चाहते हैं और यही सरकार से हमारी गुजारिश। क्या नाम है? मैं रेखा कुमारी, महिला उप समिति संजोली का। पिछले दिनों कलकत्ता में जो डॉक्टर मौमिता जो निरसंस घटना घटी, इसका शब्दों में हम कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। हम लोग इस वर्ड को यूज नहीं करने में शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके विरोध में आज बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ महिला उप समिति के बैनर के तले हम लोग जो कैंडल मार्च दिवंगत आत्मा की शांति और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग जो है आज कैंडल मार्च निकाले। हमारा सरकार से कहना ये है कि जो महिला कर्मी जो भी काम करते हैं उनको उनके कार्यस्थल पर सबसे पहले सरकार को उनको सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए और सरकार को ऐसे सभी नियमों को ऐसे सभी क्या कार्यक्रमों को जिसमें महिलाओं की असुरक्षा जो है प्रदर्शित होती है, असुरक्षा की भावना रहती है महिलाओं में, उसके लिए सरकार को संजीदगी होनी चाहिए। महिला जो है जब तक हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं देंगे, और महिलाएं ही देश की जननी है और आज हर क्षेत्र में सेना से लेकर के और पुलिस तक हर जगह महिला
कार्यकर्ता कर्मी कार्यरत है और कहीं ना कहीं बहुत आवाजें दब जाती है। सरकार को इस पर संवेदनशील होना चाहिए ऐसे। और सबसे पहले तो कोलकाता में जो घटना घटी है, हम मांग करते हैं कर्मचारी संगठन की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, कि वो जो आरोपी है उसको अविलंब उसको गिरफ्तार करके फांसी की सजा हो। सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, आज बिहार में वही स्थिति है। बिहार में रोज जो नए कानून महिला कर्मचारियों के लिए नए नियम बताए लागू किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। और बिहार राज्य अराजपत कर्मचारी महासंघ, आपको पता होगा पिछले 22 दिनों से महिलाओं के कार्यस्थल पर जो शिकलकी फरमान एक जारी हुआ है उसके विरोध में हड़ताल पर भी है। तो हम सरकार से यह मांग करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए सबसे पहले नियम और परिनियम महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए लागू करना चाहिए। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जहाँ भी कई ये घटना घटती है उसको दबाने की जरूरत नहीं है, उसको उजागर करके और जो कानून सद्गत नियमानुकूल जो कार्रवाई हो और ऐसे निरसन काट करने वाले लोगों को तो बिल्कुल फांसी की सजा हो। क्या नाम है? मेरा नाम राजीव रंजन, जिला मंत्री बिहार राज्य अराजपत्र कर्मचारी महासंघ एवं चिकित्सा। सर ये घटना जितना इसके बारे में आप निंदा करेंगे कुछ भी करेंगे वो करने योग्य ही नहीं है। आज हम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो बेटी को बचा रहे हैं बेटी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई किस काम का जब हमारा वर्क प्लेस में ही लोग सुरक्षित नहीं है। जहाँ हम काम करके दूसरों की जिंदगी सुरक्षा दे रहे हैं वहाँ हमारा ही लाइफ सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ सहकर्मी हैं जितनी भी महिलाएँ हैं वो सुरक्षित नहीं है। कैसे हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सांसद में जाके बड़ी बड़ी बातें होती हैं बेटियों के ऊपर में, महिलाओं के ऊपर में। सर नहीं चाहिए वो सब अधिकार, बस आप सुरक्षा दे दो ना। आज सब जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। सर जस्टिस क्यों चाहिए? अगर आप सेफ्टी दे दिए होते तो आज हम जस्टिस की मांग नहीं कर रहे होते ना। हमारे ही बीच से कोई है ना, अगर हम अपने आप को बदल लें, आज जितने भी पुरुष हैं सिर्फ ये प्रण ले लें कि हम खुद को सही रखेंगे और जो भी कोई एक घटना देख रहे हैं उसका खुल के विरोध करेंगे, तो ये नौबत जस्टिस मांगने की नहीं आएगी। सर सेफ्टी चाहिए। हमारे वर्किंग प्लेस पे आज हम लोग को बोला जाता है 9 से 5 वर्क कीजिए, जहाँ पे ANM दीदी और CHO स्टाफ नर्स जो भी हैं महिलाएं अकेली सेंटर पे रहती हैं, अकेली RI करने फील्ड में जाती है, वहाँ से 5 बजे लौट के आती है। वहाँ पे कोई ड्रंक करके, आप कहते हैं बिहार में शराब बंद है, वहाँ ड्रंक करके मेल जाते हैं और जाके बदतमीजी करते हैं। ये घटना आज आप हाईलाइट हो गई है क्योंकि इनका डेथ हो गया, इनका रेप हो गया। क्या अपने यहाँ नहीं हो रही है? अपने यहाँ भी सेम चीज़ें हो रही है, लेकिन बातों को दबाया जाता है। सर पहले सेफ्टी चाहिए, उसके बाद हमारा सारा काम होगा। हमारे महिला कर्मी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक सेफ्टी नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। आज IMA भाषा ये लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं ना, आने वाले समय में हर एक छोटे स्तर से हर एक छोटी बच्ची का आवाज़ आप सुनेंगे कि हमको बचा लो, हमको बचा लो का नौबत क्यों लाना? सर हमें पहले सुरक्षा दे दीजिए ना। हमारे समाज के सोच को बदलना पड़ेगा सर, महिलाओं के लिए सोच बदलना। हमारे घर में बहनें हैं, हमारे घर में माएँ हैं, तो हम उनके लिए क्यों ना सोचें? सर जो आज रेप किया है वो भी तो किसी का भाई है, वो भी तो किसी का बाप है। अगर उसको सही से शिक्षा दी जाती या अगर वो कुछ गलत करा था तो उसको हाईलाइट किया जाता, उनको कानून की नज़र में लाया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। भले वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो या कोई भी हो, सर हम चाहते हैं कि उनको जस्टिस के नाम पर फांसी दिया जाए या बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाए। शशि रंजन।